So hey guys, welcome on my YouTube चैनल वेव्स ऑफ होम्योपैथी। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक होम्योपैथिक मेडिसिन एसिटिकम एसिडम के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसको हम कॉमनली ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, विच इज़ बेसिकली अ एसिड अ केमिकल। ओके, मैं आज आपके साथ विलियम वोरिक के थ्रू, मतलब अकॉर्डिंग टू विलियम बोरिक उन्होंने क्या कहा है इस मेडिसिन के बारे में, वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो सबसे छोटी सी चीज़, अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करोगे आप तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी मेडिसिन्स को नहीं जानती हूँ, बट स्टिल आई ट्राई कि जो स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आता है एटलीस्ट वो कुछ तो याद कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एसिटिकम एसिडम, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, दिस ड्रग प्रोड्यूस अ कंडीशन ऑफ प्रोफाउंड एनीमिया। तो उन्होंने बताया एनीमिया की कंडीशन आती है पहली चीज, विथ सम ड्रॉप्सिकल सिम्टम। ड्रॉप्सी के सिम्टम आ रहे हैं, ड्रॉप्सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा एसिटिकम एसिडम और एपिस की ड्रॉप्सी को कंपेयर भी करते हैं। ग्रेट डेबिलिटी, फ्रिक्वेंट फेंटिंग, डिसोपनिया, वीक हार्ट, वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज यूरिनेशन एंड स्वेट। पहले बात क्या आई कि देखो, एक बात आती है कि इसमें ड्रॉप्सी के सिम्टम है और साथ ही साथ इसमें हमें वॉमिटिंग भी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन भी है और स्वेट भी है। हेमरेज फ्रॉम एनी पार्ट, हेमरेज भी हो रहा है, हेमरेजिक डायथेसिस देखने को मिलती है। ठीक है, एसिड है, हेमरेजिक डायथेसिस है। स्पेशली इंडिकेटेड इन पेल लीन पर्सन्स विथ लेग्स फ्लैवी मसल्स। सो आप जब एलन्स की नोट देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये लाइन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है वास्टिंग एंड डेबिलिटी। तो पेशेंट कैसा है, पतला सा, उसकी मसल्स जो है वो कैसी है, पतली है, वास्टिंग है। हेलो समीर खान, गुड मॉर्निंग। एसिटिक एसिड हैज़ द पावर टू लिक्विफाई एल्ब्यूमिनस एंड फाइब्रिनस डिपॉजिट। सो अभी यहाँ पर थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल एक्शन आता है इस मेडिसिन का, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बोरिक का ये जो इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज होती है बोरिक की, और बोरिक में आप अगर आप बोरिक के कुछ वर्ड्स लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में, सो डेफिनेटली एग्जामर, कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे अट्रैक्टेड होगा, उसको आपकी कॉपी देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, और वैसे भी विलियम बोरिक क्लिनिकली अगर हम देखें तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत मोटी है, बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स अपने थर्ड ईयर तक पढ़ते नहीं हैं, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते। बट यू हैव टू रीड एटलीस्ट वन मेडिसिन फ्रॉम विलियम बोरिक इन वन डे। ठीक है, ट्राई। आगे बढ़ते हैं, तो क्या करती है एसिटिक एसिड, जो एल्ब्यूमिनस और फाइब्रिनस डिपॉजिट्स होते हैं उनको लिक्विफाई करने की कोशिश करती है। एपिथेलियल कैंसर इंटरनली एंड लोकली, साइकोसिस विथ नोड्यूल्स एंड फॉर्मेशन इन द जॉइंट्स, हार्ड कैंकर, द वन एक्स सॉल्यूशन विल सॉफ्टन एंड कॉज फॉर्मेशन ऑफ पस। ठीक है, तो नोड्यूल्स को क्या करेगी, जो हार्ड कैंकर बन गए हैं। ठीक है, कैसी सिचुएशन होगी, हार्ड कैंकर बन गए हैं, सिफिलिस की सिचुएशन होगी, तो वन एक्स सॉल्यूशन जो है एसिटिक एसिड का, ये उसको सॉफ्ट कर देगा और उसमें पस का फॉर्मेशन कर देगा, और अगर पस हो निकल जाता है तो एवरीथिंग गोना बी राइट। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड, समझ आया। अभी हम बात करते हैं माइंड की, अकॉर्डिंग टू एसिटिकम, सॉरी अकॉर्डिंग टू विलियम बोरिक, कि एसिटिकम एसिडम का माइंड कैसा है, पेशेंट का माइंड के क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। सो इरिटेबल। ठीक है, अभी मैं आपको छोटा सा, मतलब 2 मिनट का एक क्विक रिविजन करा देती हूँ इंट्रोडक्शन का। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, पेशेंट को सबसे पहले आप देखते हो, देखने में आपको वो पेल, लीन, थीन, वीक, लेग्स एंड फ्लैबी मसल्स देखने को मिलेंगी।
एनीमिया देखने को मिल सकता है। पेशेंट बताएगा प्रोफ्यूज यूरिनेशन है, मतलब यूरिनेशन ज्यादा होता है, स्वेटिंग भी ज्यादा हो रही है, कभी कभी हेमरेजेस भी हो जाते हैं, क्योंकि हेमरेज एक डायथेसिस है, हेमरेज फ्रॉम एनी आउटलेट ऑफ द बॉडी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और पेशेंट कैसा है, वास्टिंग एंड डेबिलिटी, उसको फ्रिक्वेंट क्या होता है, फेंटिंग हो जाती है, डिसोपनिया है, वीक हार्ट है। सो दीज ऑल आर द बेसिक इंट्रोडक्शन। माइंड की बात करें तो माइंड में है इरिटेबल, वरीड अबाउट बिजनेस अफेयर्स। तो आप अगर बात करो ब्रायोनिया में, तो वहां पर भी बिजनेस से काफी फर्क पड़ता है। ब्रायोनिया को हम कहते हैं बनिया, ठीक है। बनिया वर्ड अगर कोई है तो बुरा मत मानिएगा। देखिए, बनिया हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि बिजनेस माइंडेड ज्यादा होते हैं वो लोग, और ब्रायोनिया भी बी से है तो आपको याद रहेगा। ब्रायोनिया का पेशेंट कितना भी बीमार हो, वो लेटा भी होगा तो वो सोच रहा होगा अबाउट देयर बिजनेस। सो वही सेम चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है माइंड में, कि वरीड अबाउट बिजनेस अफेयर्स। ठीक है, बीमार है बट वो सोच रहे हैं कि बताओ यार बिजनेस का क्या होगा। कुछ लोगों को क्या होता है, आप नोटिस करोगे कि कोई आपका पेशेंट आ रहा है, वैसे वो जब नॉर्मल है तब सब कुछ ठीक है, बट जब वो बीमार पड़ जाता है तो क्या होता है, तो उसको अपने बिजनेस से कोई फर्क नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस। अपने काम से बिल्कुल इनडिफरेंस हो जाता है, मुझे कोई काम ही नहीं करना है। ब्रायोनिया एसिटिक एसिड में क्या देखने को मिला, कि वो फिर भी वरीड है अबाउट देयर बिजनेस अफेयर्स। नेक्स्ट बात आती है हेड की, सो नर्वस हेडेक, मतलब कि नर्व्स में हेडेक, नर्व्स की वजह से हेडेक फ्रॉम अब्यूज ऑफ नार्कोटिक्स, कॉफी चाय नार्कोटिक्स को ज्यादा यूज करने से। ब्लड रशेस टू द हेड विद द डिलीरियम, टेम्पोरल वेसल्स डिस्टेंटेड, पेन अक्रॉस रूट ऑफ टंग। नेक्स्ट, फेस कैसा होगा, पेल वैक्सी, ऑलरेडी बताया मैंने, पेल वैक्सी इमेसिएटेड। ओके बेटा, आई ट्राई, आप एक बार फिर से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अदरवाइज मुझे अगर याद नहीं है कि अभी आपने कौन सा क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ठीक है, तो आप बता देना मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं फेस की, फेस में आता है पेल वैक्स इमेसिएटेड, ऑलरेडी बता चुकी हूँ इमेसिएटेड होता है, वास्टिंग होता है। आईज कैसी है, सनकन, सराउंडेड बाय डार्क रिंग। तो यू कैन इमेजिन दैट पेशेंट, कि अगर एसिटिक एसिड का पेशेंट आ रहा है तो आपको देखने को मिलेगा आंखों के नीचे डार्क रिंग्स एंड ब्राइट रेड फेस, स्वेटी, क्योंकि प्रोफ्यूज स्वेट होता है, पहले ही कह दिया गया। एपिथेलियोमा ऑफ लिप, अभी देखो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस आने लगती है सर्जरी की, है ना। जब आपको सर्जरी की थेराप्स लिखनी होती है, आपने डिसीज पढ़ी, जैसे कि आपने एपिथेलियोमा ऑफ लिप पढ़ा बट आपको नहीं पता कौन सी मेडिसिन देनी है, बोरिक्स से पढ़ोगे तो एटलीस्ट कुछ मेडिसिन तो याद होंगी। तो यहाँ पर हमारी एमएम और सर्जरी दोनों एक दूसरे का साथ देती हैं। सो एपिथेलियोमा ऑफ फ्लिप, चिक्स हॉट एंड फ्लश्ड, एकिंग इन लेफ्ट जॉ पॉइंट। नेक्स्ट आता है स्टमक के बारे में, सो इसके जितने भी फ्लूइड हैं आप देख रहे होंगे सबके सब एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, सलाइवेशन ज्यादा है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन है। सो सलाइवेशन, फर्मेंटेशन इन द स्टमक, इंटेंस बर्निंग थर्स्ट, ठीक है, इंटेंस बर्निंग थर्स्ट, कोल्ड ड्रिंक्स डिस्ट्रेस, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे तो उनको परेशानी होगी, वॉमिट्स वॉमिट्स आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड, कुछ भी खाने के बाद उल्टी। मैंने बताया इसमें वॉमिटिंग काफी देखने को मिल रही है, स्वेटिंग, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, सलाइवेशन, ये सब लाइनें याद रख लो एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है, कि हर चीज बहुत मात्रा में हो रही है। बर्निंग पेन एज ऑफ एन अल्सर, कैंसर ऑफ स्टमक, तो स्टमक के कैंसर के लिए। अभी आप देखो एपिथेलियोमा के लिए दिया जाता है इसको, है ना, कैंसर के लिए दिया जाता है, कैंसर ऑफ स्टमक, सार ब्लैचिंग एंड वॉमिटिंग, बर्निंग वाटर ब्रैश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, ठीक है, वाटर ब्रैश भी हो रहा है और साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, हाइपर क्लोरिया एंड गैस्ट्रेल्जिया,
क्लोडिया मतलब कि ज्यादा एचसीएल का सिक्रीशन हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़े साइंटिफिक वर्ड जुड़ते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा लॉजिकल चलना पसंद है, जैसे कि आई लाइक टू बी अ लॉजिकल, सो आई लव द बोरिक बुक, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा साइंटिफिक वे में, थोड़ा लॉजिकल वे में पढ़ते हो, ठीक है। एंड गेस्टाल्जिया, ओके, वॉयलेंट बर्निंग पेन इन दी स्टमक एंड द चेस्ट, फॉलोड बाय कोल्डनेस ऑफ स्किन एंड कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड। कोल्ड स्वेट भी देखने को मिलेगा। ऐसा किसमें और है? कोल्ड स्वेट किसमें होता है? वेरिट्रम एल्बम में, ठीक है। मैं आपको एक से दो तीन मेडिसिन के बारे में बताती भी रहती हूँ, जैसे कि मैंने ब्रायोनिया के बारे में आपको बताया, मैंने अभी अभी आपको वेरिट्रम एल्बम के बारे में बताया। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं अपनी एलेंस की नोट में, और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक द वीडियो, बिकॉज आपके एक एक लाइक से मेरे वीडियोज़ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा यूट्यूब चैनल नया है और काफ़ी कम लोग इस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्सप्लेन करते हैं। आई ट्राई कि जैसे जितना जितना मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, आई ट्राई टू प्रोवाइड इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, दैट इज द एब्डोमन। फील्स एज इफ एब्डोमन वॉज सिंकिंग इन, फ्रिक्वेंट वॉटरी स्टूल, वर्स इन द मॉर्निंग, टिम्पेनिटिक, एसाइटिस। एसाइटिस की काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हेमरेज, मैंने आपको बताया हेमरेजिक डायथेसिस है, सो हेमरेज फ्रॉम वॉल्स। बात आती है यूरिनरी की, तो यूरिनरी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ यूरिनेशन ज़्यादा है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेल यूरिन, डायबिटीज, ठीक है। अभी देखो इस अभी तक इस मेडिसिन के अंदर कितनी डिसीजेज के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें ये सारी डिसीज लिखी होंगी, बट आपको याद तो रहेगा ना कि हमने पढ़ा था कभी एक बार डायबिटीज इन एसिटिक एसिड। हर मेडिसिन में भी आपको डायबिटीज नहीं मिल जाएगी, ठीक है। यूरिन, अब देखो बात आती है यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि प्रोफ्यूज यूरिनेशन, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, है ना, वॉमिटिंग, ये सब मेन सिम्टम्स हैं एसिटिक एसिड के। प्रोफ्यूज यूरिनेशन है तो वी कैन थिंक अबाउट द डायबिटीज, ठीक है। तो इसीलिए समझ आया अभी कि यहाँ पर लिख भी देते हैं तो आपके दिमाग तुरंत क्लिक करता है कि डायबिटीज हो सकता है, विथ ग्रेट थ्रस्ट एंड डेबिलिटी। नेक्स्ट है फीमेल, एक्सेसिव कैटामेनिया, हेमरेजेस आफ्टर लेबर, लेबर के बाद अगर हेमरेजेस हैं, नॉक्जिया ऑफ प्रेगनेंसी। अब नॉक्जिया ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर आपका काम आता है ऑप्स गाइनी, जब आप पढ़ते हो ऑप्स गाइनी में, आपको जब आप शुरू का फर्स्ट ट्राइमेस्टर पढ़ते हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बताते हैं कि जो फीमेल है उसको नॉक्जिया वॉमिटिंग शुरू में होता है। अगर ज़्यादा हो रहा है नॉक्जिया, देन वी गिव द मेडिसिन, अदरवाइज हमें नॉर्मली रहने देना है कि ठीक हो जाएगा। थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करनी है, पहले ही मेडिसिन नहीं देनी चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करें। एक बेसिक सा रूल है, नहीं करनी चाहिए। अगर ज़्यादा लग रहा है तो वी कैन थिंक अबाउट द मेडिसिन। तो अगर ज़्यादा लग रहा है तो क्या आ गया? एसिटिक एसिड में हो गई नॉक्जिया ऑफ प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट पेनफुली इनलार्ज्ड, ब्रेस्ट पेनफुली है, पेन कर रहा है, इनलार्ज हो रहा है, डिस्टेंडेड विथ मिल्क, तो वो बताएगी फीमेल की ऐसा लग रहा है कि मिल्क इसमें भरा हुआ है, मिल्क इम्प्योबरिस्ड, ब्लूइश, ट्रांसपेरेंट, सार, एनीमिया ऑफ नर्सिंग मदर्स। सो सारी फीमेल की बात आई। पहली चीज़ जब प्रेग्नेंट है तो नॉक्जिया हो रहा है, देन वी कैन थिंक अबाउट दिस, है ना। और उसके बाद जब लैक्टेशन का टाइम आ रहा है तो उस टाइम पे फीमेल बता रही है कि ऐसा लग रहा है बहुत भरा हुआ है ब्रेस्ट, डिस्टेंटेड हो रखा है बिल्कुल मिल्क से, है ना। और मिल्क का कलर अगर हम देखेंगे तो कैसा होगा? ब्लूइश था, ट्रांसपेरेंट, सार, खट्टा, ठीक है। एंड एनीमिया ऑफ नर्सिंग मदर, तो नर्सिंग मदर्स जो होती हैं जो दूध पिला रही हैं बच्चे को, उनको एनीमिया। तो एनीमिया हमने शुरू में भी देखा था, ए से एसिटिक एसिड, ए से एनीमिया। एनीमिया आपको बहुत सारी मेडिसिन में मिलता है, तो इतना कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं रेस्पायरेटरी की तरफ। रेस्पायरेटरी में आता है हॉर्स, हिसिंग रेस्पायरेशन, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, कफ व्हेन इनहेलिंग, कफ जब सांस ले रहे हैं तब कफ बन रहा है, मेम्ब्रेनस क्रोप, इरिटेशन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स, फॉल्स मेम्ब्रेन इन थ्रोट, थ्रोट में क्या बन रही है? फॉल्स मेम्ब्रेन, प्रोफ्यूज ब्रोंक्योरिया। देखो इसमें आप जितने भी सिक्रीशंस देख रहे हो ना, प्रोफ्यूज हैं, ज्यादा हैं, ठीक है।
प्यूट्रेट, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट गले में दर्द है, प्यूट्रेड है तो क्या करेंगे, गार्गल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैक, पेन इन बैक रिलीव्ड ओनली बाय लाइंग ऑन एब्डोमन। आपकी एलन्स की नोट में लिखा तो है कि पेशेंट को जब एब्डोमन से लेटता है तब आराम मिलता है, ये बात लिखी है। नाउ बोरिक इसको कंफर्म कर रही है, क्लियर एक आपको राइट पाथ बता रही है कि अगर बैक में पेन हो रहा है तो अगर पेशेंट एब्डोमन के थ्रू लेटेगा। देखो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रेशर से आराम मिलता है, तो वो क्या करेंगे, अगर उनकी बैक पेन हो रहा है तो वो बैक को ही अपने बिस्तर पे लगा के लेटेंगे, बट यहाँ एसिटिक एसिड को एब्डोमन पे सोना है। ठीक है, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हो, ए से क्या है, एसिटिक एसिड, ए से है एब्डोमन, मतलब पेशेंट कैसे सोएगा, ऑलवेज इन एब्डोमन, क्योंकि उसकी बैक जो है वो पेन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक में आपको ये सिम्टम देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं एक्सट्रीमिटीज की तरफ, एक्सट्रीमिटीज में इमेसिएशन देखने को मिल रहा है एंड इडिमा ऑफ फीट एंड लेग्स। इडिमा क्यों, ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो रही है इसलिए। नेक्स्ट आती है बात स्किन की, स्किन को मैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा बहुत पेल, वैक्सी, इडिमेटस, बर्निंग, ड्राई, हॉट स्किन और बाथ इन प्रोफ्यूज स्वेट। फिर से बात आ गई, क्या है, प्रोफ्यूज स्वेट है। डिमिनिश्ड सेंसिबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब सेंस जो होता है ना हमारी सरफेस ऑफ बॉडी को, कुछ टच हुआ है तो वो थोड़ी सी डिमिनिश है। यूजफुल आफ्टर स्टिंग बाइट्स, वेरिकोस, स्वेलिंग्स, स्कर्वी, एनासार्का, ब्रूशेज, स्प्रेन। तो अभी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इसकी इंजरी भी देखने को मिली। हमेशा हमारे दिमाग में क्या आता है, अगर हम स्टिंग या बाइट्स के बारे में सुनते हैं तुरंत कौन सी मेडिसिन आती है, कोई मुझे बता सकता है फटाफट से कमेंट करके कि अगर हम स्टिंग या बाइट की बात करें कौन सी मेडिसिन दिमाग में आती है तुरंत, तुरंत हमारे दिमाग में आती है एपिस मेलिफिका, है ना। बट यहाँ पर देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है, एसेटिक एसिड में भी लिखा हुआ है यूजफुल आफ्टर स्टिंग एनाबाइट्स, वेरिकोस स्वेलिंग। हाँ बिल्कुल सही बोला, वायरल आपने एपस। तो अभी आपको यहाँ पर नया देखने को मिला, समझ आया कि हम स्टिंग और बाइट्स में एसेटिक एसिड को भी सोच सकते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी इसकी इंजरी की भी बात करें, अगर आपसे कोई पूछ ले एसिटिक एसिड की इंजरी क्या है, तो इंजरी में आपने एसिटिक एसिड पढ़ा ही नहीं है, अगर आप सिर्फ एलन की नोट से पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको बोरिक के थ्रू पढ़ने से पता चला कि इसमें क्या है, ब्रूसेस भी हैं, स्प्रेन्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एनएसआर का ड्रॉप्सिकल कंडीशन शुरू से बताया हुआ है, ड्रॉप्सिकल कंडीशंस में दी जाती है। आगे बढ़ते हैं फीवर की तरफ, फीवर इज अ हैक्टिक विथ ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, रात में नाइट स्वेट आ रहा है, स्वेट वैसे भी प्रोफ्यूज है हाँ, और रात में स्वेट आ रहा है, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक, लेफ्ट चिक जो है उस पे रेड स्पॉट, नो थर्स्ट इन फीवर। यहाँ पर इंपॉर्टेंस आती है, वैसे प्यास बहुत है, बर्निंग थर्स्ट है, प्यास लग रही है, ठंडी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है, पर बट नो थर्स्ट इन फीवर, फीवर में प्यास नहीं लग रही है। स्वेट प्रोफ्यूज एंड कोल्ड, कोल्ड स्वेट हमें और किसमें देखने को मिलता है, वेरेट्रम एल्वम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप की बात आती है, एसिटिक एसिड इज एंटीडोटल टू ऑल एनेस्थेटिक वेपर्स। ठीक है, एनेस्थेसिया के लिए जो सुंगाया जाता है उसके लिए एज अ एंटीडोट बहुत अच्छा काम करता है एसिटिक एसिड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। काउंटर एक्ट सोसेज पॉइजनिंग, ठीक है, तो सोसेज पॉइजनिंग हो गई है तो उसका काउंटर एक्ट कर देता है, उसके लिए एक एंटीडोट की तरह वर्क करता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, समझ आया, कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। एसिटिक एसिड को मैंने काफी छोटे से तरीके से फटाफट से डिस्कस किया, अगर आपको ऐसे वीडियोज और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना होगा कि वीडियोज और चाहिए, है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं तो आप देख सकते हो। थैंक यू वायरल, एंड आई वॉन्ट कि आप मेरे वीडियो को और लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी होम्योपैथी को बहुत ही कम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, जो भी होम्योपैथ हैं दे ओनली न्यू कि क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो आपको जहाँ भी कभी भी कोई होम्योपैथी की अच्छी लगती है वीडियो, ट्राई टू शेयर इन वन ग्रुप, एटलीस्ट विथ वन फ्रेंड, सो होम्योपैथी थोड़ी स्प्रेड हो सके। ओके,
बेटा आई ट्राई टू बी मेक मोर वीडियोस ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है? ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस थर्ड ईयर के बनाए हुए हैं, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के मेडिसिन मिलेंगी। मैं आपके साथ कभी एलन्स की नोट्स से डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि एलन की नोट्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका वाइवा होता है तो एलन्स काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ को देखते रहो और बेटा शेयर करो मेरे वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ।